हे गाइस, तो फाइनली सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G इंडियन यूजर्स के लिए एक नया अपडेट आ चुका है और ये इसी महीने का एक दूसरा अपडेट है। यस, जो पहले अपडेट हमें इसी महीने देखने को मिला था वो 1UI 6.1 का था, बट ये एक नया अपडेट है। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी चेंजलॉग की बात करूँ तो डिवाइस स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया गया है, बग्स को फिक्स किया गया है और न्यू एंड एनहांस फीचर्स का मेंशन है, बट ये इस अपडेट के अंदर हमें कोई भी नया फीचर्स देखने को नहीं मिलता है। और एक और चीज मेंशन है, फर्दर इम्प्रूवमेंट्स टू परफॉर्मेंस। और इसके अलावा और भी दो इम्पोर्टेंट चीज मेंशन है। सबसे पहला तो डिवाइस का जो सिक्योरिटी है उसे इम्प्रूव किया गया है और अपडेट के बाद आप डाउनग्रेड नहीं कर सकते हो ओल्ड सॉफ्टवेयर वर्जन में, क्योंकि सैमसंग का जो सिक्योरिटी पॉलिसीज है उसे चेंज किया गया है। और आप में से कुछ यूजर्स कमेंट भी करते हो कि इस अपडेट को करने के बाद मुझे प्रॉब्लम आया है तो मैं डाउनग्रेड कैसे करूं। तो सैमसंग के फोन में आप डाउनग्रेड नहीं कर सकते हो और मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कोई भी यूट्यूब वीडियो, कोई भी वेबसाइट ट्यूटोरियल के थ्रू देख के मत करो, क्योंकि कुछ कुछ ब्रांड्स के स्मार्टफोन जैसे कि अगर मैं Xiaomi, रेडमी या फिर पोको की फोन्स की बात करूं तो वो आसान होता है थोड़ा सा, बट सैमसंग के केस में मुश्किल है। तो अगर आपको डाउनग्रेड करना ही है तो आप सर्विस सेंटर विजिट करके ही करो। खैर, इस अपडेट के अगर मैं पैकेट साइज की बात करूं तो 327 MB के आसपास है एंड इसी के साथ हमें देखने को मिलेगा फर्स्ट मई 2024 का नया एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच। और इससे पहले जो 1UI 6.1 का अपडेट आया था उसके अंदर हमें अप्रैल 2024 का ही सिक्योरिटी पैच देखने को मिला था। तो इस अपडेट के अंदर नया सिक्योरिटी पैच हमें देखने को मिलता है और भी क्या कुछ इंप्रूवमेंट हुए हैं, क्योंकि आपको मालूम ही होगा कि जो सिक्योरिटी अपडेट्स इस तरह से हमें जो हर एक महीने देखने को मिलता है उसके अंदर कभी कभी कुछ कुछ नए बग्स भी हमें देखने को मिलता है और कभी कभार जो पुराने बग्स है उसे भी फिक्स करता है सैमसंग। और क्या कुछ वैसे बग्स देखने को या फिर प्रॉब्लम्स देखने को मिला है 1UI 6.1 अपडेट के बाद, वीडियो बनाकर रखा हूं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। लेकिन मेन चीज यही देखना होगा कि 1UI 6.1 अपडेट के बाद जो बग्स या फिर प्रॉब्लम्स देखने को मिला है क्या वो सारी चीजें इस अपडेट के अंदर फिक्स होता है या नहीं। और इसी के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि क्या इस अपडेट के अंदर हमें कोई ग्रीन लाइन प्रॉब्लम्स या फिर कोई भी डिस्प्ले लाइन प्रॉब्लम तो देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कुछ दिन अभी वेट करो, इसके बाद ही अपने फोन को अपडेट करना। और ये जो अपडेट आया है ये स्नैपड्रैगन यूजर्स के लिए आज सैमसंग ने रिलीज किया है, एक्सिनोस यूजर्स के लिए ये अपडेट अभी भी नहीं आया है। और सैमसंग ने इस मई 2024 अपडेट के साथ 45 सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज को फिक्स किया है। तो अगर आप अपने सैमसंग गैलेक्सी S21 FE को अपडेट कर लिए हैं तो आप क्या क्या फीडबैक है कमेंट करके जरूर बताइए। और जिन लोगों ने अपडेट नहीं किया है उन लोगों को मैं यही कहना चाहता हूं कि आप कुछ दिन वेट कर लीजिए, इसके बाद ही अपडेट करना। तो अगर आप सैमसंग गैलेक्सी S21 FE स्नैपड्रैगन वाला वेरिएंट इस्तेमाल कर रहे हो तो क्या आपको अपडेट मिला या फिर नहीं कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप एक एक्सिनोस यूजर हो तो आपका एक्सपेक्टेशन क्या है कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे देखने के लिए आई डिजिटल टच को भी सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ मुझे मेरे बाकी सारे सोशल मीडिया हैंडल्स भी फॉलो कर लेना, पिन कमेंट में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। और जाते जाते इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।